उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने प्रशासन की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी विभाग सतर्क रहें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग को वर्षा ऋतु के दौरान बचाव और राहत कार्यों के लिए निर्देश दिए हैं। इसी के चलते उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने प्रशासन की बैठक ली। इस दौरान आपदा प्रबंधन को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा हुई। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे प्राकृतिक आपदा को देखते हुए समाज सेवा का भाव रखकर काम करें और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिन जगहों पर विकास कार्यों की जरूरत है उन्हें तत्काल पूरा किया जाए। पूर्व में मानसून सत्र पूरे होने से पहले और मानसून सत्र जो प्रारंभ हो गया उसके अंतर्गत भी और लगातार ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि हमें अपनी प्रबंधन आपदा प्रबंधन की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना है ताकि जन हानि पशु हानि या सामाजिक रूप से जो लोगों की परेशानियां हैं वो ज़्यादा ना हो के कम हो, इसलिए प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत हम सब लोग आज यहाँ पे जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे का जो नगरीय प्रशासन है, नगर आयुक्त है, SDM है, संबंधित PWD इरीगेशन सभी विभागों की एक बैठक रखी है। इस बैठक के अंतर्गत जो मुख्य समस्या है जैसे ढेला नदी पर जो है प्रॉब्लम थी उसकी चर्चा हुई है, भल्ला नदी पर हुई है और जो अपना गर्बिया नाला गैबिया नाला है उसकी बातें पे चर्चा हुई है। इसी प्रकार नदी नालों पे जहाँ पे भराव हो रहा है उनको खोलने के लिए बहुत जगह ऐसा है कि जैसे पुल के नीचे गड्ढा हो गया, उस गड्ढे का भराव के कारण बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, कुछ सड़कें चौक हैं, उन सभी चीज़ों में सुझाव आए हैं और सभी अधिकारी उन सुझावों के अनुरूप अपनी राय मशवरा करके और विषय को निस्तारण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।